रायपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि बीजेपी विधायक धान खरीदी पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने भी विपक्षी विधायकों के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। साथ ही पहले दिन ही दिवंगत नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीजेपी ने धान खरीदी को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। कानून नाम की चीज नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जब सुरक्षित नहीं रहा, कलेक्टर का बंगला सुरक्षित नहीं रहा, रोज चोरियां हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का भाव है। इस विषय को लेकर बात होगी। दूसरे मुद्दे शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले खुद कटघरे में गिरते जा रहे हैं। एक मुद्दा उस विषय को लेकर रहेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है, और जो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। जिस तरह आपने अभी सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जो किसानों का मुद्दा है, धान का मुद्दा है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, और इसको लेकर भी जो हम बात करें, इस मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी है। और साथ में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं सोरा संवाददाता रायपुर से। आशीष, हम विस्तार से सूचना चाहेंगे, जिस तरह आज विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, और जाहिर तौर पर जिस तरह हम देखते हैं कि जो विपक्ष है वो लगातार घेरने की तैयारी में रहता है, लेकिन सरकार जो चाहती है कि वो कार्रवाई सुनिश्चित रूप से जारी रहे और लगातार कार्रवाई चलती रहे, उनका मकसद ये रहता है, लेकिन किस तरह की उठापटक देखने को मिल सकती है आज? देखिए, सदर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार तो है, क्योंकि बीजेपी ने जिन मुद्दों की फहरिस्त बनाई है वो मुद्दे सदन में सरकार को घेरने के लिए काफी हैं। हालांकि अब तक न तो बीजेपी के और न ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, लेकिन आज चूंकि सदन की कार्यवाही का पहला दिन है, इसलिए आज जब पहले दिन की कार्रवाई खत्म होगी, इसके बाद देर शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुद्दों को रखा जाएगा और एक क्रमबद्ध तरीके से किन मुद्दों को कब सदन में उठाकर सरकार को घेरना है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। और ठीक पैरेलल कांग्रेस भी आज विधायक दल की बैठक करेगी, सीएम हाउस में ये बैठक होगी। बीजेपी के तमाम आरोपों को किस तरीके से सदन में पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाना है, इसे लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर रणनीति तैयार की जाएगी। आज सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो पहले जिस तरीके की परंपरा है कि दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा जिसमें सुषमा स्वराज का भी नाम है, अरुण जेटली भी है, बाबूलाल गौर का भी नाम है, मध्य प्रदेश के जो हाल के जो जिनका निधन कल हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उनका नाम है, ऐसे तमाम चेहरों का नाम शामिल किया गया है। लेकिन जानकारी ये भी है कि आज बीजेपी की तरफ से सदन में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, और जिस तरीके से धान एक बड़ा सियासी मुद्दा बना है छत्तीसगढ़ में, तो मुमकिन है कि आज सदन में इसे लेकर जमकर हंगामा भी पड़ सकता है। आशीष, क्या लगता है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बैठक के पहले दिन यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे, और ऐसा ही बताया जा रहा है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा, और कार्यमंत्रा समिति की बैठक में यह भी तय किया गया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सदन में विशेष चर्चा का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बिजनेस हैं सरकार के बहुत सारे, और उन बिजनेस को भी सरकार सदन के जरिए पूरा करेगी। 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ रही है, और भूपेश सरकार का ये दूसरा अनुपूरक बजट होगा, और तकरीबन 5,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को आज मुख्यमंत्री सदन में पेश करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा आने वाले दिनों की कार्रवाई के दौरान होगी। जरूर 26 तारीख यानी कल जिस तरीके से पूरा देश संविधान दिवस मनाता है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा पहली बार संविधान दिवस के मौके पर एक विशेष चर्चा का आयोजन भी करेगी। पिछले दिनों जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, उस बैठक में यह तय किया गया था कि 26 तारीख को विशेष चर्चा होगी। हालांकि चर्चा प्रश्नकाल खत्म होने के बाद शुरू होगी, जो देर शाम तक चलती रहेगी। जाहिर तौर पर देखने वाली बात यह होगी कि आज जिस तरह विपक्ष ने घेरने के लिए तैयारी बनाई सरकार को, वो क्या कुछ होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष।